डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे लाउडस्पीकर की। लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर देश भर में फैले एक तरह के चर्चा की और इसके साथ साथ देश भर में अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के बयानों की। आपने देखा कि इस बयान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एक डेलीगेशन लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया था कि लाउडस्पीकर पर बैन लगाया जाए और अजान रोकी जाए। अचानक इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की एंट्री होती है और राज ठाकरे के बयान के बाद पूरे देश में एक तरह से होड़ लग जाती है लाउडस्पीकर को बैन करवाने की। अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के तेज तर्रार नेता रहे और अब विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर अपना एक संगठन चला रहे प्रवीण तोगड़िया की बेइज्जती हो गई है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने एक अलग ही लाइन ली है राजनीति से हटकर। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं कि उन्होंने लाउडस्पीकर के खिलाफ कहा हो या लाउडस्पीकर के समर्थन में कहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। राज ठाकरे के बाद प्रवीण तोगड़िया एक ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी बात को पूरे देश में एक अलग नज़रिए से देखा जाता रहा है। प्रवीण तोगड़िया की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मित्रता कभी चर्चा में रहा करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच की खटास को भी लोगों ने महसूस किया है और प्रवीण तोगड़िया आजकल नाराज चल रहे हैं वर्तमान व्यवस्था से, भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था से। लगभग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं इसके हम आपको बताते हैं। प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी को सलाह दी है कि पहले उन राज्यों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाएं जहां वो खुद सत्ता में है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि मैं बीजेपी के अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो उन राज्यों से लाउडस्पीकर हटवाएं जहां वो सत्ता में है। आप महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर नहीं हटवा रहे हैं। लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब ऐसी डिमांड क्यों नहीं की गई। हमने करीब 10 साल पहले मांग की थी कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए। यही मांग हम पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का देश भर में पालन कराए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। महाराष्ट्र में इस बीच राज ठाकरे का बयान आया है कि वो 3 तारीख को महाआरती करेंगे। महाआरती उस दिन की जाएगी जिस दिन मुस्लिम समाज ईद का त्यौहार मना रहा होगा। ऐसी संभावना है कि अक्षय तृतीया भी उसी दिन और ईद भी एक साथ पड़े, क्योंकि चांद को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रमज़ान का चांद देखने के बाद ही, रमज़ान के ख़त्म होने का चांद देखकर ही ईद मनाई जाती है, तो अक्सर वो 29 या 30 होती है जब चांद होता है। लेकिन 3 तारीख को महाआरती का ऐलान कर राज ठाकरे ने एक बार फिर चर्चा को अपनी तरफ मोड़ लिया है। देश भर के कोने से अलग अलग आवाज़ें उठे, लेकिन राज ठाकरे को वो हुनर आता है कि वो चर्चा को अपने पक्ष में कर ले जाते हैं। वोटों में तब्दील करवाने की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल वो चर्चा में आ गए हैं और 3 तारीख को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। ये उनके ऐलान के बाद जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को इस मामले में थोड़ा आगे आना पड़ा है। इस बीच महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने का आदेश जारी किया है। डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा है कि पुलिस की परमिशन लेने के बाद ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर चलाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस से लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। साथ ही महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शोर को लेकर बनाए गए दिशा निर्देश का भी पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पिछले दिनों जब कहा था कि 30 मई तक अगर महाराष्ट्र सरकार राज्य की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने में नाकाम रहती है तो उनके कार्यकर्ता नमाज के वक्त मस्जिद के आगे तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा चलाएंगे। और हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद ही राज ठाकरे का ये बयान भी आ गया है कि वो 3 तारीख को महाआरती करेंगे। ऐसे में फिजा बदलेगी
और एक तनावपूर्ण माहौल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपने दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे, हमारी तरफ से तो यही अपील होगी। राजनेताओं की राजनेता जाने, लेकिन ये एक विवाद तो हो गया है, अब इस विवाद से कैसे सरकार निपटती है, ये रस्साकशी एक वोट बैंक को लेकर है, या तो मुस्लिम समाज को हाशिए पे रखा जाए, हिंदू समाज को आगे लाया जाए, या फिर ये चल रहा है कि इन दोनों के बीच में भेद हो, या फिर ये चल रहा है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा मठाधीश है कौन। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कानूनी कार्रवाई उन पर भी होगी जो बिना परमिशन के जलसे जुलूस करेंगे, शोभा यात्राएं निकालेंगे। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी स्थितियाँ निर्माण की जा रही हैं कि तनाव बढ़े। इस तनाव के बीच जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस के ऊपर एक काफ़ी दबाव आ गया है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से तमाम खतरों को देखते हुए, तमाम असुविधाओं के बीच अपनी साख को कायम रखती है, उसी तरह इस बार भी वो अपनी जो भी उसकी रणनीति उसने बनाई होगी उसमें सब सफल होती है। आम नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है और हम प्रार्थना करते हैं कि तनावपूर्ण माहौल से दूर रहें, अमन और अमान बनाए रखें। DRV न्यूज़ का ये प्रयास रहेगा कि इस देश की फिज़ा कहीं ख़राब ना होने पाए, इसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार है कानून अपनी कार्रवाई करेगा। आपको भी इससे जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए TRV न्यूज़। जय हिंद।